फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक और तरीका सिखाऊंगा जिससे आप अपनी वेबसाइट की DR और DA को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पर जाएं और यहाँ पर सर्च करें फ्री बैक लिंक्स जनरेटर। ये कीवर्ड सर्च करें, आपके पास ये बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। वेबसाइट आएंगी, वेबसाइट ये वेबसाइट जब आपके पास आ जाएंगे तो आपने इसको एक एक को ओपन करना है। तो मैं सबसे पहले ये वाला ओपन करता हूँ, ये वाला मैं ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पर वो अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा मेक बैकलिंक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरी वेबसाइट की ये बैकलिंक्स बना रहा है जनरेटर। तो जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आगे आपने क्या करना है। अब आप देख सकते हैं कि मेरी इस वेबसाइट पर से मेरी जो वेबसाइट वहाँ पर यहाँ पर मैंने जो वेबसाइट दिया था उसकी बैकलिंक्स यहाँ पर जनरेट हो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आप विजिट भी कर सकते हैं। लेट से मैं ये वाला विजिट करता हूँ, क्लिक ओपन न्यू टैब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट को बैकलिंक मिल गया है। यहाँ से इस तरह से आप बैकलिंक बना सकते हैं। ये जब कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए 100 तक, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। यहाँ पर ये तकरीबन 80% तक कम्प्लीट हो गया है। तो ये एक वेबसाइट से मतलब बैकलिंक्स जनरेट हो गए। अब आपने ये वाला वो दूसरा वाला वेबसाइट ओपन करना है। इस तरह ये वाला आपके पास जितनी भी वेबसाइट आ रही है उन सबको एक बाय एक विजिट करना है आपने और उससे बैकलिंक्स बना दिए। यहाँ पर अपना वेबसाइट का लिंक आपने देना है, फिर जनरेट पर क्लिक करना है। इस तरह से इस वेबसाइट में देना है और इस वेबसाइट में भी देना है। अभी ये मुकम्मल हो जाए फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने आगे क्या करना है। अभी कम्प्लीट हो जाए तो उसके बाद आपने मतलब लिंक्स तो बन गए हैं आपके पास, लेकिन अब इसको इंडेक्स करना है। तो इंडेक्स करने के लिए मैं आपको आगे प्रोसीजर बताता हूँ। अभी तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीटेड आ गया। अब आपने आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने इन सारी वेबसाइट को एक एक करके विजिट करना है और बैकलिंक्स बनानी है जिस तरह मैंने इस वेबसाइट पर बनाई। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इन सारी लिंक्स को कॉपी करना है एक स्प्रेडशीट में या एक्सेल फाइल में। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ कॉपी, और इसी में एक खाली स्प्रेडशीट में इसे पेस्ट कर दूंगा मैं। जब ये आप यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं उसके बाद आपने क्या करना है, ये नंबर हटानी है। ये नंबर 1 ये वाला ये हटाना है ये सारे नंबर जो है ये हटानी है। तो अगर आप ये लंबा प्रोसेस नहीं करना चाहते तो मेरे ऑलरेडी एक स्प्रेडशीट में ये सारे लिंक जो है वो अरेंज कर लिए। तो आप या हुआ सर हुआ पर भी मतलब अपनी वेबसाइट का लिंक रिप्लेस कर सकते हैं। बैकलिंक जनरेटर्स की जो सारे वेबसाइट दिखाई थी उन सारे को यूज़ करके मैंने ये लिंक्स जो है ये सारी मैंने क्रिएट की है। तो अगर आपको वो प्रोसेस नहीं करना वो दोनों प्रोसेस, तो
तो मैं आपको ये स्प्रेडशीट दे दूंगा, आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक रिप्लेस करके भी बैकलिंक्स बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर www.website.com है, इसकी जगह मैं अपनी वेबसाइट का लिंक रिप्लेस कर दूंगा। मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट का वेबसाइट पर, वहाँ से मैं लिंक कॉपी करूँगा। मैं अपनी इस वेबसाइट का लिंक कॉपी करूंगा यहाँ से और इस स्प्रेडशीट फाइल में मैं इसे प्लेस करूंगा। मैं इसे कहाँ पर रिप्लेस करूंगा, मैं इसे रिप्लेस करूंगा इस जगह पर, website.com की जगह पर, इस जगह पर मैं रिप्लेस करूंगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा फाइल इन रिप्लेस, यहाँ पर मैं रिप्लेस पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैं जिस टेक्स्ट को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ वो ऊपर वाले बॉक्स में होगा, website.com। मैं इसे रिप्लेस करना चाहता हूँ किस टेक्स्ट से या किस लिंक से, तो मैं वो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो ये बाकी चीज़ें अपने हटानिए, ये पेज जो है HTTP वाली, ये चीज़ें अपने हटानिए और सिर्फ अपने वेबसाइट का नेम और .com ये लगा दें और ये स्लैश भी हटा दें। अब मैं रिप्लेस आर पर क्लिक करूँगा तो ये सारी मेरे पास तकरीबन 1752 लिंक से ये सारी रिप्लेस हो चुकी है यहाँ पर। अब इसके बाद अपने इसको हाइपर लिंक्स में कन्वर्ट करना है। पर लिंक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ आपको, लेकिन इस वीडियो में दोबारा आपको सिखाऊंगा कि किस तरह इसको हाइपर लिंक्स में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो मेरे पास यहाँ पर हाइपर लिंक्स वाली वेबसाइट है, ये मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पर ये पहला वाला वेबसाइट है मेरे पास, मैं हाइपर लिंक्स वाला, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ या मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी और कॉम में इसे ओपन करता हूँ मैं। अब आप यहाँ पर ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सिंपली ये जो आपके पास लिंक्स आ चुके हैं ये सारे, इसको आपने कॉपी कर दें सारे को। मैं सेलेक्ट कर दूँगा इन सारों को, अब मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर दूंगा। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं करूंगा जनरेट हाइपर लिंक्स, मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो अब मेरे पास ये दो किस्म के हाइपर लिंक्स जनरेट हो चुके हैं, एक जो है ये इस टाइप का है और दूसरा URL टाइप का वाला। तो आपने कौन सा कॉपी करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेबसाइट है, यहाँ पर मैंने लिखा है साइट फॉर प्रमोटिंग लिंक्स डू फॉलो। तो ये कौन सा फॉर्मेट एक्सेप्ट करते हैं, UR वाला, UR प्रोसीजर, ये मतलब ये एक्सेप्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, UR वाला हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ये UR वाला है, कॉपी करेंगे इसे। या अगर इस तरह कॉपी नहीं हो रहा, आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑल और यहाँ से इस तरह कॉपी करें। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, एक टेक्स्ट फाइल ओपन कर दी है यहाँ से। टेक्स्ट फाइल ओपन करने के बाद आपने ये सारे लिंक्स यहाँ पर पेस्ट कर दिए। उसके अब देख सकते हैं कि ये सारे लिंक आ गए मेरे पास, लेकिन इसके पास ये जो एसोसिएटेड टेक्स्ट है तो ये आप देख सकते हैं अनडिफाइंड है। तो मैं इस अनडिफाइंड को रिप्लेस करूंगा अपनी वेबसाइट के रिलेटेड कीवर्ड को, मैं रिप्लेस पर क्लिक करूंगा। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा मोबाइल रिव्यूज, लेट्स से मोबाइल रिव्यूज, मेरी रिप्लेस आर ये रिप्लेस हो गया है। अब सारे लिंक जो है वो उसके साथ, अब जो सारे लिंक के साथ ये मोबाइल रिव्यूज वाला टेक्स्ट एसोसिएट हो गया है। तो अब यह आपने क्या करना है, अब आपने इन सारी वेबसाइट को कॉपी, लिंक्स को कॉपी करना है यहाँ से, और आपने यहाँ पर एक दूसरा वेबसाइट है उस पर आना है। यहाँ पर वो वेबसाइट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये वाली वेबसाइट है।
तो ये मेरे पास यहाँ पर एक्सप्लोर में ओपन हो गया है, इसी में क्रोम में ओपन करूँगा। क्रोम में मैं इसे ओपन करता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पर ओपन हो गया है। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से ज़्यादा लिंक्स एक साइड एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके इस पर मतलब लगा सकते हैं। और मैं आ जाऊंगा इस वेबसाइट पर, यहाँ पर आ जाने के बाद आपने यहाँ पर ये सारी पेस्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये कैप्चा फिल करनी है, MPMD, और ऊपर नाम देना है, कुछ भी नाम दे दो यहाँ पर। वैल्यूज अब आपने यहाँ पर इस पर क्लिक करना है, अब नीचे आ जाए और रिप्लाई करें कि लिंक्स आपके मतलब हो गए या नहीं। तो यहाँ पर मैं लास्ट पेज पर क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे सारे लिंक्स यहाँ पर आ गए। तो अब जब ये इंडेक्स हो जाएंगे तो मेरी वेबसाइट का DA या DR जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इस तरह से।